नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हमारे साथ हैं नमित दास जी। नमित दास जी कोई परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन उनके बारे में थोड़ा तो बताना जरूरी बनता है। तो नमित दास जी के पिता का नाम चंदन दास जी, और ये बहुत बड़े गजल गायक थे। और नमित दास जी मेरे को मिले क्योंकि उनको बीएम व्यास जी, उनके फादर इन लॉ, उनके रिकमेंडेशन पे कि भाई आप उमंग तनाई से बात कीजिए। वो खैर खुद बताएंगे जो उनको बताना होगा। उनकी वाइफ जो है वो भी जो है वो एक्टिंग में है, और जो नमित है वो शायद कम लोगों को मालूम होगा, मुझे तो खैर मालूम ज्यादा नहीं था, बट वो सिंगर भी हैं लेकिन एक्टिंग में ज्यादा जाने जाते हैं, आप सब जानते हैं। इन जो नमित दास जी के नाना जी थे वो भी बहुत जो है बहुत बड़े क्या कह सकते हैं म्यूजिक डायरेक्टर, है ना, म्यूजिक डायरेक्टर थे। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को बता दीजिएगा प्लीज, ठीक है। इनके मामा जी जो है पन्नालाल जी, वो भी बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं। तो पूरी जो जो फैमिली है वो कलाकारों की फैमिली, हम ये कह सकते हैं। तो लेट अस वेलकम नमित दास जी। उससे पहले कि मैं उनको बोलने के लिए कहूँ, 2-4 मिनट और थोड़ा बकबक करूंगा कि उन्होंने बहुत सारी फिल्में में काम किया है, आप सब जानते होंगे। मेरे ख्याल पहली फिल्म थी द प्रेसिडेंट इज कमिंग, उसके बाद वेकअप सिड, लफंगे, परिंदे, फिल्म सिटी, बल्ब हिला, नित्या, घनचक्कर, आंखों देखी, हमारी अधूरी कहानी, सुई धागा, सुई धागा में कल काफी मशहूर हुई, पटाखा, बहुत हुआ सामान, आफते इश्क, और अभी एक मूवी आने भी वाली है उनकी, उनके पोस्टर भी मेरे ख्याल लग गए हैं। और फिर ये नमित खुद बताएंगे क्या और कौन सी मूवी है वो। टीवी सीरीज इन्होंने काफी किया, उनमें बहुत नाम कमाया। नमित जी ने ज्यादा नाम मेरे को लगता है टीवी सीरीज में कमाया उन्होंने, और उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जिसको आज भी हम मजाक में कहते हैं, सुमित संभाल लेगा। तो नमित की जगह पे मेरा हमेशा मुंह से सुमित निकलता है। तो लेकिन पहला जो टीवी सीरीज था पंचम, फिर मुंबई कॉलिंग, स्टेट ऑफ द यूनियन, एक्स योर एक्स, सुमित संभाल लेगा, कौशिकी, टेबल नंबर 5, अभय, आर्या, अनसुटेबल बॉय, माफिया, रॉकेट बॉयज। और इसके साथ प्लेज में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रही है। प्लेज में हम लोगों की दिलचस्पी उतनी नहीं होती, और दिलचस्पी के साथ साथ क्या हम लोगों को शायद टाइम नहीं होता, और इतना एडवर्टाइज नहीं होता है कि प्लेज का आम आदमी के लिए। और जो कला को पार कला के पारखी ज्यादा होते हैं वो प्लेज देखने जाते हैं, क्योंकि तो कला जो है जो एक्सटेम्पोर जो होती है, जब उसके ऊपर स्टेज के ऊपर, तो उसका मजा अलग होता है। मैंने भी एक आधा किया हुआ था वैसे स्टेज शो, लेकिन वो फिर क्योंकि तो मुझे तो पता है कि भी घर में पिटाई होगी, क्योंकि तो हमारे पेरेंट्स वगैरह तो वो चीज को पसंद नहीं करते थे कि भाई बच्चा ये करे। और ये जो लाइन है एक्टिंग की या जो कला की लाइन होती है, ये बहुत अप डाउन बहुत होते हैं इसके अंदर, तो वो अप डाउन को झेलने की जो है वो ताकत भी हर एक में नहीं होती। तो प्लेस बड़े सारे हैं, उनका सबका नाम लूं मेरे को लगता है मालूम नहीं, इतना टाइम सबके पास है या नहीं। लेकिन अभी अभी जो है मीरा नायर जी के साथ एक प्ले करके नमित दास जी अभी यूएसए, मेरे ख्याल 2-3 महीने, 2-3 महीने हुए मेरे ख्याल शायद नमित दास जी वहां से करके आए, और शायद अभी वो प्ले यहाँ पर इंडिया में भी होगा ऐसा बता रहे थे नेक्स्ट ईयर। तो अभी मैं अब ज्यादा बोलूं मेरे को लगता है कि वो समय नष्ट होगा, और टाइम जो है वो सबका कीमती होता है, और काफी लोग अभी समय पे आ चुके होंगे, तो पहले उन सबको वेलकम कर लेते हैं। 45 पीपल आर वॉचिंग, अभी ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे। एक मिनट, प्राइवेट क्यों हो रहा है यार, एक मिनट इसको मैं वो कर लेता हूँ, प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक हो गया मतलब प्राइवेट, बीच में पता नहीं क्या होता, टेक्निकल एरर छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पब्लिक है। पब्लिक है, वेरी गुड। चलो मेरे पास शायद प्राइवेट हुआ, तो अब लोग काफी आ चुके हैं, तो सबको जरा 2 मिनट वेलकम भी कर लेते हैं जी। तो फिर शुरू करते हैं। विनय जी सबसे पहले आए हैं इस बार, राम राम जी, गोपाल पात्रा जी नमस्कार, विजय जी, अमरिंद प्रीत जी थैंक यू वेरी मच, एस्ट्रो डी जी, अतुल शर्मा जी,
वेलकम सुमित आका मोनू, ग्लैड टू हैव यू ऑन दिस चैनल। माय वाइफ एंड आई वॉच सुमित संभाल लेगा एटलीस्ट वन एपिसोड एवरी नाइट, बेस्ट ओवर। ये पता नहीं क्या लिखा आपने इस शब्द के बारे में, जानते हैं द किड रिमाइंड मी भागले की दुनिया। अरे वाह, वो भी साहब बड़े जबरदस्त। विवेक जी नमस्कार, प्रणाम जी, नीता जी प्रणाम, विकास बंसल जी जय हो, एस्लो जी विजय संतोष व्यक्ति, स्मृति जी नमस्ते, पुनीत जी नमस्ते, शिवानी जी नमस्ते, अंसा जी, अनिल खटाना जी प्रणाम, हरजीत कौर जी, देवाशीष मेरे, सुमरेंद्र पठानिया जी, देव जी बहुत बहुत धन्यवाद, मिलिंद जी आप नमस्कार, वैली ऑफ किट जी नमस्ते, सर प्रणाम, रिंदर शर्मा, हाँ जी मैं पहचान गया सर, वैली ऑफ किट, सीमांशु जी नमस्कार, हरमनदीप सिंह जी प्रणाम जी। तो सुमित जी से हमारा रिक्वेस्ट है जी, सुमित जी अब आप बताएं। तो हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ, मेरा अपनी रिक्वेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ कोई आपका अगर एक्टिंग का भी कोई बढ़िया तजुर्बा रहा तो वो भी जरूर बताएंगे। तो ये भी बताएं कि सर प्लीज कि एस्ट्रोलॉजी में आपको कब से जो है इंटरेस्ट रहा, फिर उसके बाद जो है मेरे साथ कैसा रहा, मतलब बताएं। एक्टिंग में आप, एक्टिंग तो खैर अब जानते हैं, ये बड़ा मतलब जो है शायद सब जानने की इच्छा रहेगी, मैं फिर रिपीट ही कर रहा हूँ बात को, कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ज्योतिष के अंदर क्यों मतलब आपका इंटरेस्ट है और आप इसको क्यों जानते हो, कि अभी ज्योतिष को ये एस्टेब्लिश करना हम ज्योतिषियों के लिए बड़ा कठिन काम है कि ये एक साइंस है, क्योंकि तो आम पब्लिक में हम ही लोगों की गलतियों की वजह से अभी हम ही लोग इसको एस्टेब्लिश नहीं करना कर पा रहे, तो इसलिए लोग जो है वो मतलब हमसे जुड़ने में या खुले में बताने के लिए कि मैंने भी ज्योतिषी से पूछा है, थोड़ा सा अजीब सा फील करते हैं, ठीक है, कि भाई बात किसको बताएं या ना बताएं कि भाई मैं ज्योतिष के पास जाता हूँ या नहीं जाता, ज्योतिषी के पास जाता हूँ नहीं जाता, ठीक है। आप तो खुले में आ गए कि हाँ भाई ज्योतिषी के पास जाते हैं, और आपको तो मतलब मालूम है हमारा कोई ज्योतिषी में और आपका कोई ऐसा हमारा रिलेशन नहीं है, ना तो मैं कोई पहनता वो आप देखते हैं, ना मैं पहनता कोई रुद्राक्ष की माला लाट प्लाट, में कोई मतलब उसका कोई मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है। दैट इज फॉर द रीजन ऑल्सो कि टू टेल द पीपल इट इज अ साइंस, क्योंकि भी ये रुद्राक्ष पहनने से, ये टीका लगाने से वो ज्ञान बढ़ नहीं जाएगा, ठीक है, वो एक जरूर लक्षण जरूर है कि एक कोई ब्राह्मण अगर सामने से आ रहा है तो वो पहन के आ रहा है तो लक्षण से पता चल जाए ब्राह्मण, दैट्स फाइन, ठीक है, और इससे ज्यादा मतलब बहुत कुछ होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो टीका करते हैं तिलक करते हैं उसका कोई मीनिंग है, वो हमारे शास्त्रों में लिखा वो हर कोई जानता, कोई बताने की जरूरत नहीं, वो दैट्स फाइन। बट ये है कि जैसे बाकी साइंसेज हैं ये भी साइंस है, तो अब आप खुले में आए, तो आप जो खुले में आने का मतलब है कि क्लियरली मतलब हमारे साथ बैठ के सबको ये बताएंगे और बताना चाहते होंगे, तभी आप आए कि ज्योतिष एक साइंस है, और आपको कैसा लगा और आप ऐसा क्यों मानते हैं कि ज्योतिष एक साइंस है। प्लीज नाउ फ्लोर इज टू यू, यू हैव टू टेल, मेरा काम खत्म, तो आप बताएं, बीच में कहीं मैं रोकना चाहूंगा तो प्लीज आप। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नमस्कार टू एवरीवन, नमस्कार तनिजा जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट लवली इंट्रोडक्शन, एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और आप लोगों से बताने में एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसके बारे में सब लोग सोचते तो हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते भी हैं, लेकिन कभी इसको एक साइंस की तरह लेते नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ जीवन में, एटलीस्ट इंडियंस के साथ तो डेफिनेटली वो हमारे साथ चलती रहती है, लेकिन इसको कभी सीरियसली एक साइंस की तरह से जो है, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन रहा एस्ट्रोलॉजी के साथ, वो शुरू हुआ था बहुत ही यंग एज पे। मैं 13 साल की उम्र का था और माय मदर शी टुक मी टू एन एस्ट्रोलॉजर जिनका नाम था रोहित ठक्कर, और वो मुझसे बहुत बड़े थे, लेकिन इवेंचुअली 15 या 16 साल की उम्र में 4-5 साल की मैं आई बिकेम अ वेरी गुड आई बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स विद हिम, और वहां से जो है मेरा एस्ट्रोलॉजी के प्रति शुरू होता है कि मेरे बारे में क्या होगा, मेरे फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन बहुत जल्द जो है मुझे ये लगने लगा कि ये तो चलो ठीक है, एक बात सही है कि
ये फ्यूचर के, ये मेरे फ्यूचर के बारे में जो है मुझे शायद कुछ इंडिकेशंस पता चल रहे हैं, लेकिन साइंस एक्चुअली वर्क कैसे करता है? तो मैंने कुछ किताबें लाई, कुछ चीजें जो है समझने की कोशिश की, और जब मैंने रोहित भाई, मैं उनको रोहित भाई बुलाता था, रोहित भाई से पूछा, मैंने बोला कि मेरा जो है इंटरेस्ट भी जाग रहा है इस सब्जेक्ट में, तो उन्होंने बोला कि हाँ इंटरेस्ट जागना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है कि अपनी हॉरोस्कोप खुद बार बार देखने की कोशिश मत करना। अगर अपनी हर हॉरोस्कोप आप देखना चाहते हो तो हमेशा किसी दूसरे का पर्सपेक्टिव जो है वो आप देखो, एंड वहां से जो है वो जो जवाब था, इट जस्ट सॉर्ट ऑफ क्लियर्ड सम थॉट्स इन माय हेड कि ये कोई अनाप शनाप चीज नहीं है, ये कोई ऐसी ऐसा कोई मैजिक शो नहीं है जिसके वजह से आप किसी के पास जाएंगे और आपकी चीजें सारी ठीक हो जाएंगी। ये इनफैक्ट ये वो नॉलेज है जो आपको हेल्प कर सकता है अपनी जिंदगी को और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में, क्योंकि एक तो चीज, और ये मेरा सवाल हमेशा से रहा है कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली? अगर हमें वो ही जीना है जो हमें जीना है, जो लिखा हुआ है, तो उसका उसका एस्ट्रोलॉजी से क्या लेना देना? आई थिंक एस्ट्रोलॉजी व्हाट इट डज, एंड आई थिंक तपिजा जी विल हेल्प मी विद दैट, एस्ट्रोलॉजी एक वो चल सकते हो, और आपको लगता है कि ठीक ये टाइम ठीक है, 6 महीने आपने ऐसे, तो आप चुपचाप रहो, यू आर गोइंग टू बी एट द बेस्ट बिहेवियर, समहाउ इट रियली हेल्प्स यू दैट वे। और तब से कहीं ना कहीं मेरी जो है ना सर्च जो है वो एस्ट्रोलॉजी को लेके वो जारी ही रही, और मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया, रोहित भाई पास्ट अवे कुछ 10 साल पहले, एंड उसके बाद मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मिला, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत सारी बातें बोली, उन्होंने बोला शनि ये करता है, गुरु ये करता है, यहाँ पे ऐसा है तो आप वो कर लो, सूर्य को जो है पानी चढ़ाओ, ये करो, बहुत सारी चीजें, और इन सब चीजों में मैं कहीं ना कहीं कुछ कुछ हद तक बिलीव भी करता था और कुछ नहीं भी बिलीव करता था, क्योंकि आई वॉज वेरी लकी टू एक्चुअली गेट द सपोर्ट ऑफ माई फादर इन लॉ BM व्यास जी, जिनका इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली मेरी वाइफ के थ्रू ही हुआ और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही हुआ, उन्होंने मेरी हॉरोस्कोप देखी और उन्होंने दैट बिकेम, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज मुझे कही जब मैंने उनसे पूछा कि ये पत्थर वत्थर क्या होते हैं, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सारे ऊपर बैठे हुए हैं, ये क्या हमको इस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, और हम क्या सिर्फ पपेट्स हैं कि मेरा ये हाथ जो है शनि कंट्रोल कर रहा है और ये हाथ मेरा जो है गुरु कंट्रोल कर रहा है? तो उन्होंने मुझे 100 बात की एक बात बोली, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज कही, उन्होंने कहा नॉलेज इज द की, और जो चीज आप जान जाओ उस चीज के ऊपर जो है ना आपने कहीं ना कहीं विक्ट्री भी हासिल कर ली। उस टाइम से जो है रुझाव जो है वो एक साइंटिफिक अप्रोच कहीं ना कहीं लेने लगा, और मैं जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहा था मुझे सिर्फ ये ही मीनिंगलेस एक्चुअली कॉन्वर्सेशन होने लगी वो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आपकी हॉरोस्कोप एक बेसिक, अगर आप हॉरोस्कोप आपने देख लिया और आपको बेसिक प्लैनेट्स इधर उधर जो भी आप जान जाते हो कि अब ये इंसान क्या बोलने वाला है, ऑब्वियसली माई आई वुड से माई लाइफ रियली चेंज्ड जब 2018 में देर वॉज अ वेरी वेन आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज इन माई लाइफ पर्सनली एंड प्रोफेशनली, एंड देर वर मेनी क्वेश्चन विच आई वॉज आस्किंग, एंड लकीली मैं उस टाइम पे 2 महीने दिल्ली में था, और मुझे मेरे फादर इन लॉ ने, मेरी बात हुई उनसे और उन्होंने कहा कि देखो बेटा क्या है कि मैं तुमसे बहुत पर्सनली जो है ना अटैच्ड हूँ, और मैं सिर्फ तुम्हारे जीवन में जो है ना अच्छी चीजें देखना चाहता हूँ, तुमको एक सीनियर एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, और मैं सजेस्ट करता हूँ तुमको एक एस्ट्रोलॉजर जो प्रॉबेबली इंडिया के टॉप 4
एस्ट्रोलॉजर्स में है, अगर तुमको अपॉइंटमेंट उनसे मिले, तुम उनसे मिलो, उनसे एक एक आइडिया ले लो। वो आदमी है बहुत एकदम सीधा आदमी है, और द बेस्ट थिंग अबाउट हिम, ही डजंट फिलोसफाइज द सब्जेक्ट, देर इज नथिंग स्पिरिचुअल अबाउट हिज अप्रोच। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज वेरी, इट्स बेस्ड ऑन प्रिडिक्शन, एंड ही सिंपली आंसर्स द क्वेश्चन यस और नो। क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में घुसे हैं, अगर आप अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं एक्चुअली कि ये इवेंट मेरा होगा या नहीं होगा। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए उमंग तनेजा जिसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं है। मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, तुम ट्राई करो उनसे मिलने के लिए, क्योंकि मुझे 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 पता चला है कि वो दिल्ली में रहते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं कनॉट प्लेस में मैं खड़ा हुआ था, कनॉट प्लेस में मैंने फोन आया, मैंने गूगल किया उमंग तनेजा एस्ट्रोलॉजर, और वहां पे गूगल पे उनका नंबर रिफ्लेक्ट हुआ, और वहीं पे मैंने उनको कांटेक्ट किया। कैसे? उस टाइम पे ऑब्वियसली ही वाज बिजी, आई थिंक ही वाज बिजी विद हिज सम फैमिली, कुछ आने वाले थे। मुझे 2 हफ्ते बाद अपॉइंटमेंट मिला, और वहां से तनेजा जी भी एक साइंटिफिक रिलेशनशिप, जो भी हम बार बार ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज विद तनेजा जी आई जेन्युइनली डोंट वांट टू यूज द एस्ट्रोलॉजी वर्ड साइंस, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस की तरह देखते हैं, और वो इधर उधर की बातें नहीं करते कि ये हो जाएगा वहां पे जाएगा, वो चाहिए, वो उसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब इंसान आता है अपने अपने क्वेश्चंस लेके किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, वो खुद कई बार पूछ ही नहीं पाता। तनेजा जी वो सारा क्लटर जो है ना ब्रेक देते हैं और कहते हैं, सर आपका सवाल एक्चुअली ये है और इसका जवाब ये है, और सडनली ऐसे आपको क्लैरिटी आ जाती है कि आपको लगता अमित जी, एक मिनट है रोकूंगा आपको यहाँ पर, प्लीज हाँ है सवाल थोड़ी तो यही था और वो। जवाब भी ये मिल गया। तनेजा जी आपके हाँ प्लीज, मैं यू रोक रहा शुड हूँ एंटर, आपको। आई थिंक आपके फॉर्मेट है। नहीं, वो है ना बीच में जी जी थोड़ी बिल्कुल बिल्कुल वो, नहीं, नमित जी वो बीच में ना थोड़ा वो कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। यू आर गोइंग फेल, कनेक्शन में, कनेक्शन में प्रॉब्लम है, बाकी ठीक है। वो मुझे मालूम नहीं क्यों आ रही है, तो 2 मिनट मैं बोल लेता हूँ, फिर इधर व्यवस्था कनेक्शन ठीक हो जाए गो तो फॉर तब इट, तक गो फॉर इट। है ना। तो वो ललित ओझा जी नमस्कार, सर सतबीर जी थैंक यू वेरी मच, प्रदीप कनुगा जी थैंक यू वेरी मच, पुनीत जी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कमल जी थैंक यू जी, अनंत जी थैंक यू वेरी मच, सुदर्शन जुनेजा जी बढ़िया थैंक यू वेरी मच जी, सुदर्शन हिस्ट्री टॉक जी थैंक यू जी, लाइफ कोच धीरज कुमार जी नमस्कार, अमित सवरण स्वर्णकार जी, चरण स्पर्श जी, अरे सॉरी चरण स्पर्श आप मुझे कर रहे हो, सॉरी सॉरी, नमस्ते आप मेरे स्टूडेंट हो, सॉरी यार मैं ऐसे ही करता हूँ। तिलक राज जी कहते हैं उमंगोलॉजी से एक नई उमंग आती है, हाँ जी हाँ जी आ जाती है, तो आती होगी सर जी मुझे नहीं पता, थैंक यू वेरी मच अगर आती है तो। अच्छा जी थैंक यू वेरी मच, हीरा खत्म, थैंक यू रूपल जी आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, चरके त्रिपाठी जी हेलो आई, जितेंद्र जी नमस्कार, त्रिदेव थैंक यू, मिलन जी नमस्कार, ऑडियो नॉट क्लियर इसलिए आ रहा है कि जी वो थोड़ा वहां पर कोई दिक्कत आ रही है नमित जी के यहाँ पर, तो उनको कह अभी कह दूंगा जो रिपीट कर देंगे। लावा जी लव फ्रॉम नेपाल कह रहे हैं, अंकित जी नमस्कार, माई यूट्यूब राम राम जी, अशोक गारा जी जय श्री राम, रविशंकर जी नमस्कार, अनोम लोहा सर आप एक्सीलेंट हो थैंक यू जी, किसको कह रहे हैं आप, मतलब मेरे को कह रहे हैं या नमित जी को कह रहे हैं मुझे पता नहीं, सर नमित दास आपके स्टूडेंट हैं, नहीं जी मेरे कोई स्टूडेंट नहीं है जी, वो नमित दास जी खुद ही बता रहे हैं कि वो मेरे कौन है, ठीक है, तो इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं कि वो मेरे कौन है, बस इतना मैंने बताया था कि नमित दास जी को भेजा था बीएम व्यास जी ने, बीएम व्यास जी जो है ससुर जी है वो भी अच्छे लेखक है जहां तक मुझे पता
पता चला। मैं एक बार मिला था उनको जाके, बंगाली मार्केट में आए थे, तो वो काफी उन्होंने मेरे को जो है वो कविताएं और जो है शेरो शायरी है ना, वो बड़ा सिद्धास्त है उसके अंदर। तो मैं 2-3 घंटे बैठा उनका, बहुत बढ़िया मजा आया। तो वो आप फिर उस समय पे वो था, कोरोना चल रहा था, किसी काम से आए थे, फिर वो कोरोना की वजह से सारा लॉकडाउन हो गया, तो वो चले गए। नहीं तो फिर वो यहाँ रहते तो फिर थोड़ा गप मारते उनके साथ, तो लेकिन वो हो नहीं सका, तो वो मुंबई रहते हैं, मैं दिल्ली रहता हूँ, तो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो नमिता जी, वो बीच में ना कनेक्शन कट रहा था, तो मैंने आपको रोक लिया था ताकि थोड़ा देर मैं बोल लूँ, ताकि तक पीछे कनेक्शन ठीक हो जाए। कनेक्शन अगर ठीक हो गया, आप ये बता रहे थे, मैं रिपीट कर देता हूँ, आप ये बता रहे थे कि जहां तक क्लियर समझ में आया कि जो आपके जो फादर इन लॉ है, ससुर जी है, तो उन्होंने आपको भेजा था मेरे पास, आप कनॉट प्लेस में खड़े थे, तो उन्होंने ये बोला था कि उमंग ने जाए, अच्छा सा चला जा रहा है थोड़ा बहुत सा, तो उनसे आप मिल लो तो उन आपके सवाल के सीधे जवाब देंगे वो। तो आप कनॉट प्लेस में खड़े थे, तो आपने मेरा नाम गूगल में डाला, तो मेरा फोन नंबर आ गया, तो आपने मेरे से अपॉइंटमेंट ली, मेरे को दो, आपको 2 वीक की अपॉइंटमेंट मिली, मुझे पता नहीं था सर एक्चुअली कि मैंने 2 वीक की अपॉइंटमेंट दी आपको। अब मैं नहीं देता 2 वीक की अपॉइंटमेंट आपको, पता ही। तो फिर आप मेरे पास आए थे, तो आप फिर जब मेरे पास आए थे तो फिर क्या हुआ, फिर वहां पर से ना वो फिर कनेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ होने लग गया, तो फिर आप प्लीज वहां से आप हमें बता दीजिए कि मेरी शॉप पे आए थे तो मुझे लगा कि आपकी शक्ल ना जानी बजानी थी, मैं अपनी बता देता हूँ। तो एक सज्जन बैठे हुए थे लुधियाना से, अपनी वाइफ अपनी बहन बेटी के साथ, तो उनकी कुछ प्रॉब्लम मैं सुन रहा था, तब तक आप वेट कर रहे थे, तो मेरी वो ज्वेलरी की शोरूम है, तो वहीं आप आए थे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, सॉरी, आप पहले आए थे, पहले मैं आपसे बात कर रहा, वो बाद में मेरे से वो वेट कर रहे थे, मैं गलत कर। तो पहले आप आए तो मेरे को लगा कि आप कुछ जाने पहचाने से, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा था कि आप कौन, मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि ये कभी आपकी मेरी बात नहीं हुई, मुझे ये था कि आप कुछ, फिर वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भाई आप जाने पहचाने से हो, यार कौन हो मेरे समझ नहीं आ रहा था। ये जरूर है कि मैं पहले कभी मिला नहीं आपसे, बट रिकोलेक्ट करता है जैसे कभी पर्दे पे देखा हो या कैसे भी देखा हो, तो मेरे भी कई कई बार मिल जाते हैं ना लोग, आपको कहीं देखा है, तो मैं बोलता हूँ यार तूने कभी मेरे को पुलिस स्टेशन में देखा हो, उस तक कहीं मेरे फोटो लगी हो तो कई पुलिस स्टेशन में लगी हुई है, तो वो भी शायद कई बार ना ऐसा होता है कि कोई मेरी वीडियो देखी हो, समथिंग समथिंग। एक वो होता था पहले, मैं जैन टीवी में 2001 में, 2001 में ऐसे प्रोग्राम किया करता, डेली प्रोग्राम आया करता था मेरा, तो अब मेरे को काफी लोग जानने लग गए थे, तो देखते तो मैं ऐसे ही कह के निकल जाया करता है, मैं यार उधर देखी हुई तुमने, क्योंकि वो रोक लेते हैं, अभी एस्ट्रोलॉजर है फिर रोक लेंगे, और पहचाना आ गया तो फिर और मुसीबत। ठीक है चलो, एनीवे फिर वहीं से शुरू करते हैं कि आप मेरे पास आए थे, तो फिर कुछ दिक्कतें आपकी जिंदगी में चल रही थी, कुछ आप आपकी लाइफ थोड़ी क्रॉस रोड पे थी, समथिंग समथिंग, एंड देन फिर आप अपनी बात बताते थे, फिर जो है फिर मैं उस बात को जो है कॉन्क्रेटाइज कर लेता था कि भैया व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो कॉन्क्रेटाइज हो जाती थी, फिर उसका मैं जब क्लियर हो जाती तो मैं उसका जवाब फिर देता था। तो अभी फिर भी थोड़ा, अभी चलो अब ठीक है, अब आप प्लीज यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, प्लीज कैरी ऑन। कंटिन्यू मैं क्या करूं, मैं एक्चुअली यही बात थी कि मतलब जो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी जवाब हो, जहां पे आप आपके पास एक सही हो, और क्योंकि सवाल जितना आपका आपका फोकस्ड होगा उतना ही जवाब होगा। दिस इज क्योंकि जहां आपके बहुत सारे सवाल हो जाते हैं, आप इसके बारे में पूछ रहे हैं, तो आपका नमित, वो और करेक्ट ठीक आ नहीं रहा फोकस अगर आपका बैठ नहीं रहा है नमित, तो आर यू नाम फॉर ये अपना लाइन बहुत प्रॉब्लम आ रही है ना आपको। वो नहीं, वो फिर ज्वाइन कनेक्शन करने जो की है अभी कोशिश प्रॉपर आ नहीं करो रहा, आई डोंट नो या व्हाई फिर इट से इज ज्वाइन हैपनिंग। करने की कोशिश करो। हाँ फिर से एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो, कई बार वो किसी लूप में फंस जाता तो इसलिए नहीं आता, तो तब तक मैं लोगों से गप्पे मार लेता हूँ। तो नमित जी अभी दोबारा आ रहे हैं कि वो अभी यही समझाना चाह रहे थे कि भी अगर एस्ट्रोलॉजर के पास कोई आदमी जाता है तो वो बड़ी सारी इधर उधर की बात करता है, वो मतलब वो बात ठीक है, और अपना क्वेश्चन जो है वो प्रॉपरली वो बता नहीं पाता, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि
एस्ट्रोलॉजर क्या जवाब दिया। लेकिन ये नॉर्मली होता है, उसका ज्यादातर खासकर उस समय पे होता है जब आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो। ऑब्वियसली जब आदमी मेंटली डिस्टर्ब होगा तभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, लेकिन जब उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है तब वो ज्यादा कंफ्यूज होता है, तो अपनी बात को ढंग से रख नहीं पाता अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में, क्योंकि वो इमोशंस से ज्यादा ड्राइव हो रहा होता है। तो फिर वो धीरे धीरे वो जो है इधर की बात करेगा उधर की बात करेगा। तो ऐसा होता ही है कि नॉर्मली जो नई नई शादी होती है किसी लड़की की, तो उसकी जो है जब भी मदर आती है तो इधर उधर की बात बहुत करेगी, जी मेरी मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, मेरा जवाई भी बड़ा अच्छा है, बना सास जड़ी आएगी ना बड़ी आंज आंज करती आएगी, ए भी है जी वो भी है जी आंज हुंदा जी उन जाता रोटी बनाती है, तो फिर वो कहती है जी पक्की नहीं ठीक जी, बेचारी सारा दिन काम करके आंदी है, तो वो फिर सारा दिन काम करके आएगी तो फिर आ गया समझने सब्जी रोटी वो बनाएगी वो ठीक नहीं है, तो दे विल गो ऑन टॉकिंग समथिंग और दी एल्स, बट व्हाट इज द क्वेश्चन, बट वेयर इज द क्वेश्चन कि भाई तुम चाहते क्या हो कि भाई लड़की और लड़का जो है हस्बैंड जो है मतलब आपका जवाई और आपकी बेटी अलग हो जाए, या आपकी जो बेटी की जो सास है उसके साथ उसका रिलेशन अच्छा है, अल्टीमेटली व्हाट यू वांट, और या मुझे क्या दिख रहा है। तो बात तो मोटी मोटी जो कंक्रीटाइज कंक्रीट बात वो है, लेकिन क्या होता है कि जब आदमी आएगा तो वो साइकोलॉजिकली तंग है, तो जब तक वो जो कुछ चार बातें कह नहीं लेता तब तक उसके दिल पर ठंड भी नहीं पड़ती, और वो भी सुननी पड़नी होती है हमको। उसका रीजन क्या होता है कि जब तक और वो है ना तो सेटिस्फाइड नहीं जाता। तो ये भी बड़ा जरूरी होता है, ये मैं एडिशनल बात कर रहा हूँ, ये भी बड़ा जरूरी होता है हमारे लिए कि ऑल दो वी आर डूइंग एस्ट्रोलॉजी बट वी आर डूइंग 5% एस्ट्रोलॉजी एंड 95% इज द साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। तो लेट हिम सो कि वो भी बात हमारी अच्छी तरह समझ सके, जब तक वो अपनी सारी बात कह नहीं देता हमारी बात समझने की भी उसमें कैपेबिलिटी नहीं आ पाती, तो वो सारी बात जब कह लेता है जी इसके साथ ये है उसके साथ वो है फलाना है ढिमकाना है, तो फिर उसके बाद एक जरा सा क्वेश्चन होता है बस उसी का जवाब देना होता है। तो वो मतलब दोनों तरफ से हमें ये समझना ही पड़ता है और हमें उतनी हेल्प करनी पड़ती है अपने क्लाइंट की, उसमें इरिटेट नहीं होना होता। तो वो जो नमित जी अभी कह रहे थे, नमित जी ने फिर उससे ज्वाइन कर लिया हमको, आई थिंक अब वो ढंग से मतलब ढंग से क्या मतलब कनेक्शन ढंग से रहेगा। तो वो यही बता रहे थे कि जब मैं कंफ्यूज था जब मैं आप आया था तो कुछ सिचुएशंस थी, तो मैंने काफी सारी बातें करी, तो फिर उमंग जी ने कहा भाई मतलब की बात यह है, उसका जवाब यह है भाई, ठीक है। तो ये बात थी, तो अब नमित जी आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आई जस्ट होप ये कनेक्शन जो है इस टाइम पे बना रहे। आई थिंक देर इज अ अब ठीक वेदर है, प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत सारी बारिश, यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, तो इस उसी की वजह से आई थिंक ये प्रॉब्लम अब आ रही ठीक होगी। है। जी। सो हाँ, सो ये मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था। ये सो व्हाट आई हैव लर्न्ड विद माय सेशंस विद तनेजा जी इज दैट द शार्पर द क्वेश्चन द बेटर द आंसर दैट यू विल गेट। And the more confused the question will be, the more confused the answer would be. So that is why जब भी अब उस 2018-19 was the first time when I met तनेजा जी, और तब से अब तक हमारे बहुत सारे सेशंस हो चुके हैं, हमारी बहुत सारी जो है मैंने काफी सारी गाइडेंस उनसे ली है, और हर सेशन से पहले आप बिलीव नहीं करेंगे, आई मेक इट अ पॉइंट के ठीक है ये आधा घंटा या 45 मिनट्स है, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ वो मैं एक्चुअली लिखता हूँ, एंड मैं नंबर वाइज लिखता हूँ कि मेरे पास 3 सवाल है तनेजा जी, आपके 15 मिनट लगेंगे या 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि आपका जवाब ज्यादा बड़ा होना नहीं है, आपका जवाब होगा या तो हाँ या तो ना। एंड दैट आई थिंक फॉर मी, आई मीन वी आर लाफिंग अबाउट इट एक्चुअली, बट आई थिंक दैट इज द साइन ऑफ अ ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं ना, वो आपको बातों में घुमा लेते हैं। अब बेसिक बेसिक चीजें तो हम जानते हैं ना, कोई भी आप किसी का भी चार्ट अगर देख लें, और अगर आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आती है, आप थोड़ा बहुत तो, और सामने वाला इंसान किस स्वर में बोल रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, उसमें आदमी कुछ ना कुछ निकाल के प्रिडिक्शन तो कर ही देता है। और एंड लेट मी टेल यू, आज की डेट में साइकोलॉजिकल एडवाइस देने के लिए हर कोई बैठा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजर लोग ही बात करेंगे, बट अ ट्रू एस्ट्रोलॉजर इज एक्चुअली हु प्रिडिक्ट्स द राइट थिंग, इज वन पार्ट ऑफ इट,
बट गिव्स यू द करेक्ट गाइडेंस टुवर्ड्स वेयर योर लाइफ इज हेडेड टुवर्ड्स. एंड दैट फॉर मी आई थिंक इज व्हाट आई हैव गॉट आउट ऑफ तनेजा जीज प्रिडिक्शंस. एक मैं इसमें एग्जाम्पल देना चाहूंगा, ये क्योंकि मेरी जर्नी जो है 2018-19 से तनेजा जी के साथ जो है, और मेरा कनेक्शन बना हुआ ना तनेजा जी. हाँ जी, हाँ जी, परफेक्ट है जी. अब आपका मतलब काफी बेहतर आ रहा वेरी है गुड, पहले से. बीच बीच में थोड़ी सी आ रही है सुपर गड़बड़, सुपर. बट इट्स ओके, बट इट्स चलो ओके. चलो, ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा, ठीक इसमें है ठीक इसमें है. नमित प्लीज जी, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ भाई. आपको, आप प्लीज गो फॉर इट. ये आप कह रहे थे कि मैं हाँ या ना में जवाब देता हूँ. हाँ या ना में जवाब नहीं देता मैं, साथ में शायद आपको टाइमिंग भी बताता हूँ कि ये ऐसे कब होगा तब होगा, है ना. ये भी आप बताना. बिल्कुल बिल्कुल, मैं ठीक है, टाइमिंग के ऊपर आ रहा हूँ एक्चुअली. हाँ जी प्लीज कैरी ऑन, कैरी ऑन. तो अब ये बात है, मुझे क्लियरली याद है, ये 2020 जनवरी, ये फरवरी की बात है. मुझे याद है मैं जयपुर में अपने होटल रूम में बैठा हुआ था, और उस टाइम पे मेरी बात चल रही थी ना, आई एम गोइंग टू बी वेरी ओपन ऑन दिस लाइफ. हम मेरी एक बात चल रही थी नाटक की, और उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, उस टाइम पे बातचीत चल रही थी कि किस तरह से वो नाटक शुरू होगा जुलाई में, और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर रफली ये मेरे बीतेंगे लंदन में 2020 के. और मैंने तनेजा जी को फोन किया लगभग फरवरी, मिड फरवरी में, और मैंने उनसे कहा कि देखिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही थी एक्चुअली, तो मैं उनसे सजेशन लेना चाहता था कि ये पास होगा या नहीं होगा. मेरा सवाल ये था कि ये कॉन्ट्रैक्ट पास होगा या नहीं होगा. और तनेजा जी मुझे देख के कहते, सर मुझे, मैं अब ये पास होगा या नहीं होगा, मुझे आपका फॉरेन कंट्री में तो कोई इस टाइम पे जाता हुआ कुछ दिख रहा नहीं है. और मैंने बोला ठीक है ओके. और मैं ये सोच रहा हूं कि इस टाइम पे ये इसलिए बोल रहे हैं कि शायद पता नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट पास नहीं होगा, शायद कहीं ना कहीं मनीष पे आके बात अड़ जाएगी या ऐसा कुछ नहीं होगा, तो शायद ये बात नहीं हो पाएगी. और मैं बार बार उनसे पूछ रहा हूँ कि अच्छा जुलाई में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जुलाई सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर मैं जो है वो कंट्री के बाहर रहने वाला. और तनेजा जी बार बार मुझे बोल रहे हैं कि मुझे कंट्री के बाहर आपका योग नहीं लग रहा. तो मैंने बोला कि तनेजा जी मतलब कोई बुरा टाइम आने वाला है? तो कहते नहीं, बुरा टाइम नहीं, बुरा तो टाइम नहीं, अच्छा होगा, अच्छा है, बहुत अच्छा है. बात यहां पे खत्म करते हैं. कट टू मार्च 10 तारीख को 2020 में मुझे ईमेल आता है कि यहाँ पे सर कोविड फैल गया है, कोविड जैसी चीज आ गई है. एंड दे वर ऑब्वियसली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कोविड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू नो दीज आर रियली द इनिशियल डेज ऑफ दिस पेंडेमिक. और पूरा का पूरा टूर कैंसिल हो गया, और हम ये बात अब छेड़ेंगे प्रोबेबली 1 साल या 1.5 साल बाद, क्योंकि थिएटर्स पूरे बंद हो चुके हैं यहाँ पे, एंड देर इज नो होप फॉर इट टू स्टार्ट फॉर एटलीस्ट अ ईयर. और मैं आई एम स्क्रैचिंग माई हेड, और मैं बोल रहा हूं कि ओ गॉड, इसका मतलब ये था, दिस इज वॉट तनेजा जी मेंट. एंड ऑब्वियसली ही वॉज सीइंग के कंट्री के बाहर तो नहीं जाएंगे. अब नमित जी, बात की सेकेंड बात. कट थ्री करता हूँ मैं. कट थ्री ये है कि मुझे भी नहीं पता कि भाई हाँ कोविड आएगा कि दुनिया बंद होगी, ये तो किसी को भी नहीं पता. कहने को कहानी कोई भी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली कहने को कोई भी कहता रहे मैंने ये कह दिया था. कई बार हम ऐसे ही कुछ कह देते हैं तो वो हो भी जाता सच. वो कहने को बात कोई भी कर ले कि भाई पूरा वर्ल्ड बंद हो जाएगा, कौन कह सकते हैं. अब कट थ्री बताता हूँ आपको. कट थ्री क्या है कि मैं 11 तारीख को दुबई में था. मैं 11 तारीख को दुबई गया था, और अभी आपके एक पंखा, एक कूलर और एक एसी, वो भी दुबई से आ रहे हैं, तो उनसे मैं मिलवाऊंगा आपको. तो और मैं उनके घर में था,
और कोई 12 या 14 तारीख को मेरे ख्याल दिवाली वो होती होली थी, और मैंने होली वही मनाई दुबई में, जो मेरा एस्ट्रोलॉजी का पहला स्टूडेंट फर्स्ट स्टूडेंट ठीक है। और उसके बाद 15 या 16 तारीख को ये था कि भाई अब डेनमार्क बंद हो गया था 15 या 16 तारीख को, दैट वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट कंट्री टू क्लोज डाउन। और वहां पर दो लोग थे दुबई के अंदर डेनमार्क के, तो डेनिश गवर्नमेंट ने 7.5 लाख रुपए की टिकट खर्च करके उनको डेनमार्क बुलाया था, क्योंकि उसके बाद कोई मूवमेंट भी डेनमार्क से वो चाह नहीं रहे थे, तो डेनमार्क हैड टू क्लोज डाउन। और मैं बड़ा सियाणा बड़ा मजेदार बताता हूँ आपको, मैं वहां से जॉर्जिया चला घूमने दुबई, दुबई से वापस दिल्ली नहीं आया। उस समय पे ये क्लियर हो गया था यार वापस चलो इंडिया चलो वापस दिल्ली, क्योंकि अब ये सब बंद बंद हो जाएगा। और उसके बाद में 20 तारीख को इस्तानबुल के 19 तारीख को इस्तानबुल के एयरपोर्ट पे मेरे को उन्होंने टिकट तो थी, मेरे को उन्होंने बोर्डिंग पास नहीं दिया, फ्लाइट उड़ गई। और मैं वहां पर हंस रहा था खड़ा खड़ा कि भाई मैं इतने जो है पंगे करता हूँ इस उम्र के अंदर, हर जाए आगे इतने रिस्क लेता हूँ, और अब अगर मैं फंस गया ना तो सारे बाप बोलेंगे बाबा जी को तो अपने तो जन्म पत्रिका बताया नहीं, और दुनिया की जन्म पत्री वो मैं हंस हंस के पागल था, मतलब मैं हंसू तो किसके साथ। अब ये बड़ी प्रॉब्लम थी। अब उधर से मैंने कहा घर में भी फोन कर लूं कि भाई अब पता नहीं है मैं आ सकूंगा या नहीं आ सकूंगा, सिचुएशन तो बड़ी बुरी थी। और जो है ना एयरपोर्ट के ऊपर वो जो टीवी लगा होता है भाई यहाँ की फ्लाइट का इतने बजे, यहाँ की फ्लाइट इतने बजे, यहाँ की फ्लाइट, तो यूं लिखा था यहाँ की फ्लाइट कैंसिल, यहाँ की फ्लाइट कैंसिल, यहाँ की फ्लाइट कैंसिल, वहां की फ्लाइट कैंसिल, वहां की फ्लाइट कैंसिल, कैंसिल ही कैंसिल, कैंसिल ही कैंसिल। और मैं देख ही जा रहा हूँ बड़े मजेदार, वाह कमाल हो रहा है। और मैंने घर पे फोन किया, मैं कहा बेटे को कर लेता हूँ, वाइफ जो है परेशान हो रही होगी, बेटे को फोन किया, मैं कहा यार मैं वो फंस गया यार वरुण, मैंने यार इस्तानबुल फंस गया, कोई ना कोई तरीका करके आज जाऊंगा लगता तो यही है, तू यार वो तो पापा चिंता नहीं करो, चिंता करो ही नहीं। मैंने जिम का सारा सामान ले लिया, फर्स्ट फ्लोर पे लगा दिया सारा सामान, जिम बंद हो गया पता, वो जिम बंद हो गया, ऊपर फ्लोर पे सारा सामान लगा दिया, कोई चिंता वाली बात नहीं, सब टना टन है। बताओ इसको जिम की चिंता पाप की चिंता नहीं है। मैं कहा यार ये अजीब से बच्चे हैं, दोनों लगे हैं पता, पापा चिंता नहीं, बेटी भी कहती है पापा को चिंता नहीं, मामा यार कमाल है भाई, बाप की चिंता नहीं है जिम की चिंता है इनको। तो मैं कहा चल यार ये बात भी अच्छी है, बाप की चिंता नहीं है, कुछ चिंता होगी तो फिर परेशान होंगे बेचारे। फिर वहां से मैं आ गया काठमांडू की, मेरे को फ्लाइट मिली काठमांडू से, मैं दिल्ली आ गया 21 में, 21 तारीख 21 मार्च को, 21 मार्च के बाद वो मोदी जी ने कह दिया इंडिया बंद है, ठीक है। तो वो मैं उसके साथ आपको एक अपना भी किस्सा बता रहा था एडिशनली, मैं कहा मेरे साथ क्या हुआ आपको तो मैंने बता दिया, मेरा क्या जो वेलकम करते हैं जी देव सुमन जी को, ये हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं देव सुमन जी आए हैं, उससे सर आपकी सबसे अच्छी बात है आप बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते हैं, हाँ जी प्रैक्टिकल ही करनी चाहिए। तो ये कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ सकता है सर, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए आगे प्लीज। तो जहां से तनेजा जी ने बात छोड़ी थी 21 मार्च, हाँ मैं वहीं से शुरू करता हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है। अब ऑब्वियसली इंडिया बंद पड़ गया, पूरी दुनिया बंद पड़ गई, कोविड आ गया, लेकिन तनेजा जी का जो जवाब था उसमें एक और चीज थी जो आई थिंक मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था, और मुझे वो चीज याद आई जब वो मेरे साथ हुई, जब जून जुलाई आया, और वो ये था कि आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, आप चिंता मत करना आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। 20 जून को आर्या रिलीज हुआ था, एंड इनफैक्ट ये जो टाइम था जहां हम सब लोग घर में बंद थे एंड वी कुडंट गो आउटसाइड, मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही। हाँ नमित जी मैं ये आपने कुछ बोला था कुछ स्टार्ट हो गया, वो चीज सुनाई नहीं दी कि जून में कुछ स्टार्ट हो गया, सुनाई नहीं। करेक्ट करेक्ट। तो जून में जो है जून में आर्या आर्या रिलीज हुआ, और इन हाँ और इनफैक्ट आर्या एक शो जो मैं अपना हॉटस्टार के लिए कर रहा था वो रिलीज हुआ उस टाइम पे,
एंड इनफैक्ट ये जो टाइम था जहां पे हम सब लोग घर के अंदर बंद थे, इट बिकेम वेरी फ्रूटफुल फॉर द ओटीटी इंडस्ट्री. और उसी टाइम पे मेरे तीन शोज आए एक साथ, आर्या, माफिया और सुटेबल बॉय. और ये एक एक तरह का जो है मेरे करियर ग्राफ के लिए जो है एक, ये बात सेकंड गियर में चल रही थी, इमीडिएटली थर्ड गियर में बात पहुंच गई. सो कट टू, मैं फ्लैशबैक जाता हूँ वो फोन कॉल पे जहां पे मैं जयपुर में होटल रूम में बैठा हुआ हूँ और ये सोच रहा हूँ कि मैं जुलाई अगस्त सितंबर में मैं लंदन में होने वाला हूँ. एक्चुअली जो मेरा अच्छा टाइम था वो यहीं पे लिखा था, विदाउट एनी वर्क, घर पे बैठे बैठे, बिकॉज द काइंड ऑफ अप्रिसिएशन दैट आई गॉट गॉट फॉर दीज थ्री शोज वो समथिंग विच आई हैड नेवर गॉट. एंड ये अब ये इतनी खूबसूरत चीज है ना ये लाइफ की, कि आप फ्यूचर के बारे में बातें कर सकते हो, फ्यूचर के बारे में कुछ इंडिकेशंस जो है एस्ट्रोलॉजी आपको दे सकती है, पर एक्चुअली फ्यूचर क्या है वो हम कभी जान ही नहीं सकते. एंड दैट्स अनदर गुड थिंग अबाउट तनिजा जी, जो कहते हैं कि मुझे तो इतना ही दिख रहा है, क्योंकि क्योंकि आदमी को उतना ही दिख सकता है फ्यूचर के बारे में, क्योंकि फ्यूचर कभी हुआ ही नहीं है. मुझे नहीं पता कि ये आईपैड जब मैं बंद करके रूम से बाहर जाऊंगा तो एक्चुअली क्या होगा, सिर्फ कुछ इंडिकेशंस है, दैट्स इट. एंड आई रियली लव तनेजा जी फॉर द फैक्ट दैट यू नो ही आइडेंटिफाइज दैट, क्योंकि आप दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओ वो आपको ऐसी ऐसी गारंटी वाली चीजें बोल देंगे ना, ये आपके साथ ये तो होना ही नहीं है, आपके साथ नहीं, नहीं ये तो ऐसे तो ये कैसे हो. आई थिंक दैट इज नॉट द अप्रोच टू दिस सब्जेक्ट. व्हाट डू यू से तनेजा जी? नहीं, वो साथ में ना ये तो है कि जो गारंटी दे देते हैं, साथ में ये है कि वो एक उपाय बता देते हैं। तो एक बिजनेस हाउस है, मतलब जो है ये मतलब प्रोडक्शन हाउस है, बिजनेस हाउस नहीं, प्रोडक्शन हाउस है। तो मैं नाम, मेरे को ठीक नहीं लगता कि मुझे लेना चाहिए। तो वो पहले मेरे से वो कंसल्ट नहीं करते थे, वो किसी और से कंसल्ट करते थे। तो उन्होंने, कोई आया कि भाई 300 करोड़ रुपया जो है वो उनकी मूवीज के लिए वो डाल दे, वो दुबई से आई है पार्टी। तो किसी और एस्ट्रोलॉजर से बात करते थे, तो मेरे से उन्होंने बात की भी 300 करोड़ रुपया वो बोल रहे हैं देंगे, तो देंगे नहीं देंगे? मैं कहा नहीं देंगे। तो बोलते और कुछ? मैं कहा नहीं, हो तो क्या जुआ। अब वो उनको, मतलब किसी ने रिकमेंड किया, उन्होंने ऐसे पूछो। अब उनको जवाब बड़ा रूखा सा लगा, भाई यार कैस टाइप का आदमी है। फिर उन्होंने एक बार फिर फोन किया, चल यार एक बार फिर पूछ लेते हैं। फिर उनके साथ कोई बड़ा एक्टर है, खान्स में से एक है ना, नाम लेना ठीक नहीं मेरे को लगता। तो खान्स में से एक, वो बोले कि उनके साथ मूवी बनाना चाह रहे हैं, तो वो मूवी बनेगी नहीं बनेगी? और हमें वो जो है, हमने कह तो दिया है, और वो जो है खान है वो भी मतलब पुराने हैं, लेकिन डायरेक्टर मैं हूँ। तो अब वो खान जो है वो बोलते हैं नहीं जी, इस तरह से नहीं, इस तरह से करो। तो वह डायरेक्टर मैं हूँ, तो अब वो मतलब एक्टर अगर बीच में अपने इनपुट्स डालेंगे तो फिर उसको डायरेक्टर की बात, मतलब डायरेक्टर के हिसाब से चलना चाहिए। तो मैं तो उससे ज्यादा सीनियर हूं, तो फिर इस तरह से तो फिर मूवी ढंग की बनेगी नहीं, तो फिर ये बनेगी नहीं बनेगी, मतलब क्या होगा इसका? मगर हफ्ते की बात है, क्लियर हो जाएगा हफ्ते में, बनेगी या नहीं बनेगी हफ्ते के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो मुझे लगता नहीं वैसे कि ये चलेगा, और हफ्ते में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो बोले फिर तो मतलब आगे बढ़ा, मतलब मेरा टाइम मुश्किल है। मगर टाइम मुश्किल से मतलब कोई नहीं, मगर वो साथ में काम करेगा नहीं करेगा उससे क्या लेना देना, नए एक्टर से भी मूवी चल जाया करती है, उसमें क्या बात है? आपका टाइम अच्छा, आपका टाइम चलेगा। तो मैं कहा ये तीन हीरोइन है, तो अब नई मूवी अगर ये नहीं बनेगी तो अब ये बनाएंगे। मैं कहा वही बनेगी, उसको छोड़ ही दो, मुझे लगता है इन तीनों में से कौन सी ले, मैं ये चलेगी, ये करेंगी काम, बाकी वो तो मुझको नहीं समझ में आ रही, मेरी तो समझ ये कह रही है। मैं तो अपना कह दिया, मेरी बात खत्म हुई। फिर जो वो उन्होंने, मतलब वो मेरे को बाद में फीडबैक आई कि, बाद में फीडबैक आई कि भी आपकी बात से हम बिल्कुल भी जो है इम्प्रेस नहीं हुए बहुत, लेकिन बात आप ही की ठीक बैठती। इम्प्रेस तो आप नहीं होते कि बात आपकी ठीक बैठती है, क्योंकि फिर वो जो जोशी से पूछा वो बात बड़ी लच्छेदार,
बोले वो 300 करोड़ की जो आएगा, लेकिन जो है आपको ऐसा करना पड़ेगा, मोर के पंख लेके आओ। वो तो आप वो बंबई के अंदर मोर के पंख कहाँ से ढूंढे, वो तो हम सारे यूनिट लगा हुआ, मोर के पंख ढूंढ, ये ढूंढ, चंदन ढूंढ, वो वाला ये फलान ढूंढ, ढिमकान ढूंढ, वो तो हम सारे लग गए काम पे, कभी यहाँ जाए तो कभी वहां जाए, कभी यूं, तो बड़ा मजा है। कभी कुछ हो तो रहा है ज्योतिष में, वो तो आपके साथ ज्योतिष में कुछ होता ही नहीं, आप हाँ या ना करके जवाब दे के हफ्ते में ये यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, खत्म, 2 मिनट में बात खत्म हो जाती है, बात निकलता कुछ नहीं, मतलब उसमें ये नहीं निकलता कि कुछ ले गया। अब वो तो हमारी पूरी यूनिट लगी हुई, वही फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, मोर का पंख लेने जा रहा है कोई, सैंडलवुड लेने जा रहा है कोई, कुछ लेने जा रहा है, मोर का पंख यहाँ रखना है, फलानी चीज वहां रखनी है, टिकानी वहां रखनी है, कुर्सी मेज यूं करनी है, वो करनी है, ये सब कर ली। वो तो फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद फोन आया उनका कि जी वो पूजा वूजा चल रही है, उसके पैसे भिजवाओ। वो तो आपके साथ बड़ा बड़ा क्लियर है, उठाओ फोन कर लो, टाइम ले लो, आप उसी समय देता तो उसी समय टाइम दे देते, बाद में ले लो टाइम, उसके बाद जब मर्जी पेमेंट करता ना आपका पेमेंट का फोन आता है, मगर यार अच्छा नहीं लगता वो पेमेंट का, बोलता अब हमें लग रहा है कि यही ठीक है, मतलब एक तो पैसे नहीं लगते, मतलब पैसे कम लगते हैं, अब यह है कि नमित यार मेरे जो है मतलब एक फिक्स है अमाउंट, अब मेरे को ये नहीं है कि भाई इससे इतने लेने हैं, तो वो जो बड़ा आदमी है क्योंकि उसकी 100 करोड़ की मूवी बनती है, तो मैं उससे जाके इतने ले लूँ क्या, उसमें क्या करना है हमें, हमने अपनी कंसल्टेशन देनी है, उनका भला हो जितना बढ़िया, तो अब वो मतलब जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल है मेरे से उस तरीके से कि भाई ये बल्ले बल्ले बात है कि करना, मतलब कुछ खास नहीं करना, बस सीधा सवाल का जवाब देना, बात हुई खत्म, ठीक है। अब आप प्लीज कंटिन्यू करो, जो मैंने अभी बात, मेरा फोन, ये लाइट चली गई यार, आई डोंट नो, दिल्ली में लाइट नहीं जाती, केजरीवाल जी का एक काम तो बढ़िया है कि दिल्ली दिल्ली में लाइट की समस्या है नहीं, बट बाई चांस आज कुछ मतलब समस्या आ रही है। हाँ वो प्लीज कंटिन्यू करो आप। नहीं, मैं यही, हाँ, सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था ऑब्वियसली, एंड ऐसे बहुत सारे जो है ना इंस्टेंसेस रहे हैं तनेजा जी के साथ, जब भी उनकी मदद हमने लेने की कोशिश की है, सवाल पूछा है, उसका जवाब आया है, उस जवाब को जितना समझ पाए हैं ऑब्वियसली उसी तरह से हम जो है उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। मैं एक्चुअली दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में क्या ही बोलूं, लेकिन लोग ना फंसा देते हैं, और आई थिंक, और इसी के वजह से जो है ना एस्ट्रोलॉजी का नाम जो है, आई थिंक आई वुड वांट टू टॉक मोर अबाउट दिस, के एस्ट्रोलॉजी का नाम ना बहुत हम लोगों ने एक ऐसी साइंस, एक ऐसा साइंस है जो हमारा साइंस है, जिसको हमने, मैं इजाद तो नहीं कहूंगा, बट डेफिनेटली हमने ये हमारी हमने इसको समझने की कोशिश की है एज एज अ कल्चर, एज एज अ सिविलाइजेशन, एंड एंड फ्रॉम रियली द ओल्डन टाइम्स, एंड व्हाट हैज हैपेंड इज दैट कि हमने इस अपने साइंस को हमने इतनी इतना कॉन्वोल्यूट कर दिया, और उसको इतना बिगाड़ दिया, और उसको इतना करप्ट कर दिया बहुत अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस के वजह से, और उसको कमर्शियलाइज कहीं ना कहीं कर दिया हमने, वेयर एज द साइंस वाज एसेंशियली वेरी सिंपल एंड इट वांटेड टू गाइड पीपल टू हाउ टू लिव, दैट्स इट, दैट इज इट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मॉडर्न टाइम्स में तनेजा जी की जो अप्रोच आई है, वो अप्रोच जो है वो पुरानी अप्रोच को कहीं ना कहीं जीवित करने के लिए है, एंड एंड इसमें आई मीन टू ईच हिज ओन, ऑब्वियसली आप जिस चीज में बिलीव करते हैं आप बिलीव करते हैं, पर एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसमें आप बिलीव नहीं कर सकते, एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट करती है। बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि डू यू हैव फेथ इन एस्ट्रोलॉजी, आई सेड एस्ट्रोलॉजी फेथ करने वाली चीज नहीं है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जो एग्जिस्ट करता है। ये तो वो वाली बात होगी ना कि आप कह रहे हो कि कल सूर्य, विल द सन राइज ऑन, ऑफ कोर्स द सन विल राइज, आज रात होगी क्या नहीं, रात होगी भाई, क्योंकि वो सब तो लिखा हुआ है, वो तो साइंस के हिसाब से चल ही रहा है ना। एस्ट्रोलॉजी भी यही है कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये है कि क्या आप उस चीज को पढ़ सकते हो क्या नहीं, क्या आप उस चीज को सही तरीके से पढ़ सकते हो क्या नहीं, एंड तनेजा
कनेजा जी एग्जैक्टली डज दैट एंड हिज अटेम्प्ट इज टू एक्चुअली डीमिस्टिफाई एवरीथिंग एंड कट द I'm sorry, I'm using this word, but cut the crap basically, and cut the philosophy out of it, cut the spirituality out of it, cut the वहम आउट ऑफ इट एंड से के भाई सवाल ये है, उसके हिसाब से मैं पढ़ूंगा, उसी के हिसाब से मैं आपको जवाब दूंगा, और उसके हिसाब से आपको जो करना है वो आपके ऊपर है, वो मैं आपके लिए नहीं कर सकता हूँ कुछ भी. बिकॉज वेरी ऑफन वॉट स्टार्ट टू हैपन इज कि लोग एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं और वो अपने जवाब सुनना चाहते हैं, वो ये सुनना चाहते हैं कि ये जो मैंने सवाल किया है अब इसका सवाल हाँ ही होना चाहिए. पर द रियलिटी ऑफ लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी ऑफ द क्वेश्चन दैट यू आस्किंग और द आंसर्स दैट यू वॉन्ट टू हियर. वेरी फ्रेंकली इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट एंड दैट्स वॉट ही डज. इज वेरी प्रैक्टिकल एंड ही सेज भाई ये ऐसा ऐसा होने वाला है. अब आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें ये आपके ऊपर है. दिस इज वॉट इट इज एंड अच्छा मुझे ये ऐसा लगता है कि यही अप्रोच एस्ट्रोलॉजी को आगे लेके जा सकते हैं. या हाँ तनेजा जी बोलिए बोलिए. हाँ मैं ये इसमें ऐड करना चाह रहा था, वही एक जो है ना वो बात मेरे को अब याद आ गई कि वो जो मूवी थी 2019 एंड में बनना चाह रही थी, मतलब जो खान खान थे इनमें से उन्होंने छोड़ दी फिर अल्टीमेटली, मैंने पूरी बात बताई नहीं, तो वो उन्होंने जो मैंने हीरोइन बताई थी उनके साथ उन्होंने मूवी बनाई, मेरे कहने भी नहीं बनाई, बट इट दैट वाज माय ओपिनियन, दैट्स ऑल. तो दे उन्होंने अपने तरीके से सोचा होगा, मेरे ओपिनियन को उन्होंने यूज किया नहीं किया मुझे मालूम नहीं, बट ये है कि जो मेरा ओपिनियन था उनका ओपिनियन सेम था. और मैंने उनको कहा था कि आपकी ये मूवी बनेगी और चलेगी बहुत, आप छोड़ो कोई काम करता है कौन नहीं करता, आपको लेना लेना देना नहीं है. मजेदार बात ये थी कि 2020 में स्टार्टिंग में वो मूवी आई और वो उनकी मतलब टॉप क्लास मूवी गई, और टॉप क्लास मूवी अगर वो महीने बाद रिलीज होती तो वो चलती ना, वो भी बताऊं क्यों, बताता हूँ, क्योंकि तो उसके बाद आई कश्मीर फाइल्स, क्योंकि जैसी कश्मीर फाइल्स आई ना नमित, उसने फिर साथ में जितनी भी रिलीज हुई ना मूवी, एक उनकी भी आई थी अक्षय कुमार की, वो अक्षय कुमार की मूवी तो साफ ही होगी, वो तो कोई देखने गया ही नहीं, हल्ला इतना हो गया कश्मीर फाइल्स का कि, और वो भी मूवी पिट जाती है बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर कि अगर जो है वो उसके साथ आती या उसके थोड़ी देर बाद आती, वो चांस की बात है उससे 1.5 महीना पहले आई, 1.5 महीने में उसने इतने पैसे बना लिए कि उनकी जैसे यहाँ पर जहां तक मेरे को आइडिया है कि नॉर्मल मूवी अगर 100 करोड़ से ऊपर करती है बॉलीवुड में तो ये अच्छी मूवी मानी जाती है, नॉर्मल मूवी जो जो आप 500 करोड़ बोल रहे हैं कि लग रहे हैं तो उसको तो खैर 500 करोड़ नहीं, नॉर्मल मूवी जो आप बन जाती है मेरे ख्याल 40-50 करोड़ के अंदर, और फिर जो है अगर वो 100 करोड़ कर जाती है तो वो 200 करोड़ प्लस कर गई, उससे पहले भी उनकी जो भी मूवी थी नंबर 1 जो गई थी वो भी मेरे ख्याल 200 प्लस ही गई, तो ये उनकी सेकेंड हाइएस्ट कलेक्शन थी मतलब उनके लाइफ की इन अ मूवी, तो उसके बाद आई वो, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, कश्मीर फाइल्स, अगर उसके बाद आ जाती या उसके बीच में आ जाती तो वो मूवी मेरे ख्याल लगता है चलती नहीं, तो वो चांस की बात है वो चल गई. तो ये मैं और ऐड करना चाह रहा था आपको ये बात को कि भाई ये मतलब जो स्टार्स हैं वो अपने आप ही कराते हैं भाई कब रिलीज करनी है कब नहीं, हालांकि उन्होंने मेरे से डेट्स निकलवाई कि कब 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 मतलब शुरू करें कब ना करें, लेकिन सिर्फ मेरे कहने से तो नहीं होगा ना, क्योंकि सेंसर बोर्ड जब तक उसको पास नहीं करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी कब उसको रिलीज करना चाहेंगे सिचुएशंस को देखते हुए वो भी अपना देखेंगे ऑब्वियसली, बट वो जो मैंने डेट बताई वो कोइंसाइड कर गई वो, और मेरे को तो पता नहीं था कश्मीर फाइल्स कब आने वाली है, और कश्मीर फाइल्स का हल्ला हो जाएगा तो कोई नहीं कह सकता उस समय पे, क्या कि पूरे इंडिया का माहौल ही बदल दिया था कश्मीर फाइल्स ने, अगर आपको याद हो ना, उनकी वजह बिल्कुल से ना आदमी का थॉट प्रोसेस बदल दिया, अब लोग जैसे उस टाइम के लिए कोई एक्शन मूवी नहीं देखना चाहता, कोई मतलब एंटरटेनमेंट मूवी नहीं देखना चाहता, कोई फिक्शन मूवी नहीं देखना चाहता, उस समय पे एकदम से ये हो गया था रियलिटी, तो फिर जी वो बिल्कुल ये जो बिल्कुल जो इनकी जो मूवी होती है वो काफी जो है अच्छे सेट्स होते हैं बड़े जबरदस्त, काफी डांस होता है, काफी मतलब जो है मेनली उसी पे होती है मतलब कि सेट्स एंड द कॉस्ट्यूम्स वो बहुत ज्यादा जो ये मूवीज में बहुत ज्यादा अच्छा डालते हैं, तो सबका अपना एक पैटर्न है ना चलाने का, तो वो मूवी चलती ना क्योंकि वो ना लोगों का, भाई फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, वही बदल गया
आप प्लीज कंटिन्यू करो, और आपके मतलब अभी मैं बुला रहा हूँ यहाँ पर, आपका एक एसी और एक आपका एक कूलर बिल्कुल और बिल्कुल, है ना, तब तक आप प्लीज कंटिन्यू करो, फिर बुलाता नो आई विल बी रियली हैप्पी टू मीट दीज लवली पीपल हाँ जी हाँ जी हाँ वाया दिस दिस यूट्यूब लाइव. नहीं, जी आई एम जस्ट एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस दिस एसोसिएशन. एंड इनफैक्ट मैं इसको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से देखना चाहूंगा. हाँ, अब इतने सालों बाद, आफ्टर 2018, मैंने अपना पहला डिनर जो है वो तनेजा जी के साथ जो है वो 2000 लास्ट ईयर मैंने 2022 हाँ में किया. एंड दैट्स व्हेन आई थिंक धीरे धीरे हम थोड़ा एक दूसरे को जो है ना पर्सनली जानने की कोशिश कर रहे हैं. पर जब बात एस्ट्रोलॉजी की आती है तो बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल फ्रंट पे आई एम द क्लाइंट एंड ही इज द एस्ट्रोलॉजर. एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिज आई रियली रिस्पेक्ट हिज ओपिनियंस. आई रिस्पेक्ट द वे ही अंडरस्टैंड्स एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड ह्यूमन बींग्स वेरी शार्पली. एंड एंड हिज एक्सटीरियर इज वेरी शार्प, वेरी हार्श, और जबान के बहुत ही मतलब जो है ना वो बहुत ही कभी कभी बातें जो है आदमी को एकदम तीर की तरह लगती हैं. पर आई थिंक उनका, मुझे ये रियलाइज हो गया कि ये स्टाइल ही जो है ये उनका है. दिस इज वॉट इट इज. एंड आई वुड एनी वे लाइक दिस स्टाइल देन समवन हु इज ट्राइंग टू बटर मी, ट्राइंग टू यू नो टेल ऑल द गुड थिंग्स अबाउट मी एंड एंड के किस तरह से, बिकॉज यू नो ये जो एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में इतना रहा है, मैं खुद भी थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करता हूँ, बट आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, प्लीज. आई इट्स जस्ट अ हॉबी. कई बार क्या होता है ना कि आदमी ये सेशंस ऐसे हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर के पास ना बहुत बहुत पावर होती है, बहुत पावर होती है. क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हो, किसी की वहां पे तनेजा जी बत्ती जल गई, लाइट जल गई, आई थिंक आ जाए सही समय आ गया अब, आई थिंक. हाँ जी सही समय, आपका अच्छा समय आ रहा है, मतलब गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी, थैंक यू. नहीं, एंड आई रियली एस्ट्रोलॉजर के पास ना बहुत पावर होती है कि एक बंदा है और वो आपसे कुछ सवाल कर रहा है, इतना वल्नरेबल है वो, कुछ दुख है उसके ऑब्वियसली, जिसके वजह से वो आपके पास आया और वो जानने की कोशिश कर रहा है कि ये दुख भाई कब तक चलेगा मेरा. ऑब्वियसली कोई भी एस्ट्रोलॉजर, मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं जो बिल्कुल एक ऐसी ऐसी पोजीशन ले लेते हैं जहां पे दिस लिटरली स्टार्ट रूलिंग योर लाइफ एंड दे फील लाइक यू नो कि दिस पर्सन इज राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी, ही इज पेइंग मी द मनी एंड दैट्स व्हाई आई हैव द राइट टू यू नो से एनीथिंग और व्हाटएवर. But I have not seen that with Taneja ji, because there have been some really harsh moments in my life जो उन्होंने बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बताए. और अगर उन्होंने सॉफ्ट तरीके से नहीं भी बताया, उन्होंने कई बार ऐसी चीजें वो ऐसे बोल के चले गए हैं कि जहां पे उन्होंने सिर्फ पर्दा डाल दिया है उन चीजों के ऊपर. सो आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट ऑल्सो. तनेजा जी, ओवर टू यू. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। वो ठीक बात है, ये बात भी आपकी मैं मानता हूँ। इसमें क्या है कि द एस्ट्रोलॉजर स्टार्ट्स रूलिंग योर लाइफ, सो दिस इज वेरी बैड। आई थिंक एस्ट्रोलॉजर की, मुझे को लगता है अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ में मस्त रहे, वो ज्यादा अच्छा है। और बाकी साथ आपने डिनर की बात की थी, ठीक है ना, और फिर मानो आप फोटो मतलब आपके साथ मेरी थी, वो वरुण की भी थी, मेरे बेटे की है ना, वाइफ ने जी भी जी खिंचवाई, जी सब जी ने खिंचवाई, तो वरुण बिल्कुल. ने और मैंने ना उसको भेज दी भांजे को, तो वो बॉम्बे रहता है, हाँ जी, और चांस की बात है फिर पता चला वो, उसने मेरे को फिर लिख के भेजा, मामा ये तो मेरा क्लासमेट लक्ष्य हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. वो बड़ी, मैं कई बार देखता हूँ कि ना लाइफ जो है बड़ी, वो क्या नाम है, क्या क्या कहते हैं उसको, दुनिया बड़ी छोटी है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना, ऐसा ही बड़ी अजीब सी बात है।
भाई तीन तिकट्टे आए भाई, तीन तिलचट्टे, एक हो गया एक नंबर वन, एक नंबर टू। भाई वीडियो खोलो भाई, बात करनी है आपने नमित जी से। तो है बेटा ये नमित जी, ये तीन है जी, ये तीनों ट्रिपलेट है, ये तीनों ट्रिपलेट है जी। बेटा कुछ पूछना है? अब शर्मा रहे हैं, पूछना है कुछ? यू वांट टू आस्क समथिंग फ्रॉम नमित? नमित जी नमस्ते करना नमस्ते बेटा, नमस्ते पहले नहीं करेगा? जी, नमस्ते। चलिए, आप नमस्ते नहीं बोलिए, मैं नमस्ते बोल देता हूँ। एंड रियली नाइस मीटिंग यू ऑल थ्रू दिस मीडियम। एक है, बाकी दूसरा कहाँ पे? वी लाइक योर शो। थैंक विच यू शो? जी, थैंक यू सो नमस्ते, मच। नमस्ते नहीं करनी बेटा? अच्छा नमस्ते। और भैया कहाँ? भैया आ रहे, दीदी आ गई, दीदी दीदी नमस्ते, हेलो, दीदी नमस्ते। हेलो जी, कैसे हो? अरे दे आर सो स्वीट, दे आर सो क्यूट। तीसरा कहाँ है? माहित कॉलिंग। यार तब तो मेरे पीछे पड़े थे कि भाई नमित अंकल आएंगे तो फिर हमको मिलवाना, अब मिलवा रहा हूं तो शायद शर्म ये इंडियन कोई बच्चे बात ना, नहीं, ये कोई बात इंडियन नहीं, कोई बच्चे बात नहीं। लाज आप कौन शर्म। से, आप लोग स्कूल में कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, आप ये तो बताइए। ग्रेड 3। आप ग्रेड 3 में हैं। एंड यू आर? ग्रेड 3। ओ, बोथ ऑफ यू ऑल आर इन ग्रेड 3। रियली नाइस मीटिंग यू ऑल। यू आर रियली स्वीट। बेटा बात समझ नहीं आई, दोबारा रिपीट करो। We all 3 are triplets. हाँ दैट भी लो, मैंने Oh बता दिया। तो वेयर इज द थर्ड वन? wow! हाँ Where is the third one? ये थर्ड वन है। Oh! थर्ड वन को ज्यादा शर्म आ रही। मम्मी पापा आप आ जाओ भाई, ये अगर ये नहीं आते तो ये मम्मी जी आई। कौन हेलो जी, नमस्कार से, जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? हम ठीक कौन हैं। से कौन से हमारे कौन से स्कूल विद्यार्थी वो बहुत पसंद करते हैं, अभी भी थोड़ी देर पहले वो वही देख रहे थे। अरे को, कौन से कौन सा शो, कौन सा शो देख रहे थे? सुमित संभाल लेगा। वाह आज का शो, रियली। आज का शो तो संभाल ही लिया। नहीं बिल्कुल, सुमित सुमित संभाल लेगा जो है वो लोगों को बहुत पसंद है। अभी अभी मैं न्यूयॉर्क से वापस आया, और वहां पे भी लोग मुझे सिर्फ यही बोलते हैं कि मतलब जो भी मिलता है मुझे वो सब दे से दैट यू नो सुमित संभालेगा इज सच, वी लव द शो एंड वी वॉच इट अगेन एंड अगेन। एंड आई थिंक इट वॉज अ शो विच वॉज अ फैमिली शो। तो आई यस थिंक ये बहुत रेयर क्वालिटी आई आई थिंक आजकल के शोज को देख के, है ना, आ गया बिल्कुल वो फ्रेम बिल्कुल। में फटाफट, है ना। मम्मा पुअर और वो देखो सुमित, वो कौन झांक रहा है, मुझे वो मिस झांक के कर फटाफट जाते निकल हैं। जाता है। वो बेटी है। अच्छा, थैंक यू जी, ओके एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो एंड सो मच लव दैट कम्स माई वे इन द फॉर्म ऑफ सुमित, यू नो। हालांकि मेरा नाम नमित है, लेकिन मुझे इतना प्यार सुमित की वजह से मिलता है, तो मुझे लगता है मेरा नाम सुमित ही होना चाहिए। हाँ सुमित आपके वो साले साहब का नाम, सो दे सुमित गूगल व्यास। योर रूल, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ सुमित संभाल लेगा वाओ सुमित। वाओ, रियली रियली, माय माय गुड विशेस टू द ट्रिपलेट्स, टू यू एंड योर फैमिली, एंड गॉड थैंक यू ब्लेस सो यू ऑल। मच। एंड एंड इंशाल्लाह कभी अगर हम लोग मिलेंगे तो फिर विल हैव अ गुड टाइम आल्सो, यू नो, विल हैव अ गुड हाँ टाइम। दुबई जाएंगे जी जुबली मिलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ थैंक यू जी। गगन ओके फाइन, ओके भैया, ओके 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 जी, ओके बेटा। बेटा। राइट हाँ नाउ वेयर आर जी, यू? आई एम इन बॉम्बे राइट नाउ, और मैं आई एम अपने, वेटिंग व्हाट टू इन योर शो। डिड यू से, वेयर डू यू फिल्म योर शो, शूटिंग ऑफ योर वेयर डू आई शो? फिल्म माय शो? आई फिल्म्ड इट इन, इट्स एन ओल्ड शो, आई फिल्म्ड इट इन 2015 एंड इट वाज अ स्टूडियो इन मड आइलैंड, ओके, एंड इट वाज जस्ट वन स्टूडियो वेयर यूज टू कीप शूटिंग द सीन। या ओके, नाउ से थैंक्स टू हिम। थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू, आई शुड बी थैंकिंग यू।
अच्छा नमे जी, आप ओके ओके दीदी ओके। अच्छा नमे जी, कुछ अपने नई नई मूवी के बारे में बताएंगे थोड़ा प्लीज, की नई जो मूवी आप कर रहे हैं। हाँ ऐसा, वेल आई मीन एक एक जो है एक शो है जो मैं जिसका नाम है मैजिक ऑफ श्री। वो शो जो है आने वाला एक, ये जो नया ऐप है जियो सिनेमा का, जियो स्टूडियोज नाउ हैज अ न्यू ऐप जियो सिनेमा का, तो वो शो जो है फ्री अवेलेबल है आप सब लोगों को। आप उस ऐप पे जरूर जाइए, इस शो को देखिए, और शो बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है। इट्स अ फैमिली शो एंड इट हैज दिव्यांका त्रिपाठी इन इट, मी, जावेद जाफरी, और एसेंशियली कहानी है एक औरत की जो मैजिशियन बनना चाहती है, और मैं उसका हस्बैंड प्ले कर रहा हूँ जो उसको इस बात पे सपोर्ट नहीं करता है। आई थिंक मैं उसको, आई थिंक आई लीव इट टिल देयर। रॉकी एंड रानी एक फिल्म आने वाली है करण जोहर साहब की, जिसमें मैंने गेस्ट अपीयरेंस दी है। छोटा रोल है लेकिन फिल्म बहुत बड़ी है, और आई रियली रिस्पेक्ट करण साहब वर्क, एंड दैट्स व्हाई आई एम इन इट। उसके बारे में तो आपको मैं क्या ही बताऊं, बिग स्टार कास्ट, बिग सेट, डांस, गाना, कॉमेडी, ड्रामा, एवरीथिंग इन इट। एंड एक शो है चूना जो नेटफ्लिक्स पे आने वाला है, वो 2 या 3 तारीख को आएगा, विच आई एम एक्साइटेड अबाउट मोस्ट, क्योंकि वो पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट्स एसेंशियली अबाउट एट पीपल एंड वॉट दे डू विद वन पॉलिटिशियन, दैट्स इट। मैं यहीं वो उस बात को यहीं छोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जो लोग, जो इंसान भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है या फेसबुक पे फॉलो करता है, विल गेट टू नो मोर अपडेट्स अबाउट दीज प्रोजेक्ट्स। So आप सबसे, आप सबसे मतलब रिक्वेस्ट है कि जो लोग रमेश जी को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, प्लीज फॉलो कीजिए, ठीक है, और जिससे उनके काम का और पता चलेगा। थोड़ा सिंगिंग भी करते हैं रमेश जी, तो कुछ कुछ जो है आपको उनका वो भी सुनने को मिलेगा, अच्छा लगता है कभी वो बैठते हो। खासकर जब 2020 था तो उसमें आप मेरा डेली डाल दिया करते थे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गाते हुए, तो बड़ा मतलब बड़ा अच्छा लगता था। उस समय हम भी वेले होते थे थोड़े, और इसे ऐसे ऐसे ही समय बीता करता था, तो गपशप हो गई, बातें हो गई, तो लाइफ तो बड़ी थोड़ी डिफरेंट सी हो गई थी, बट कट गई वो भी। तो अब एंड में किसी को कोई सवाल है नमित जी से तो पूछ सकते हैं, और सन जानो जी नमस्ते, अमोल अग्रवाल जी नमस्ते, बलराम राजपूत जी पूछते हैं कि आप कोई बुक है एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, आपका कोर्स है, आपको दिल से सलाह। सर किताब का ये होता है कि पुस्तक न तो विद्या न तो ज्ञानम, तो किसी ने मेरे से पूछा कि भी कौन सी बुक रिकमेंड करते हो आप अपनी, तो मैंने लिखा पुस्तक न तो विद्या न तो ज्ञानम, तो उसका मेरे को फिर जवाब आया इसका पब्लिशर कौन है और ऑथर कौन है। तो अब मैंने कुछ, मैं क्या कहूँ उसको, तो मेरे को पब्लिशर ऑथर मिला नहीं। तो मेरा तो ये कहना यह है कि किताब पढ़ने की बजाय टीचर से पढ़ो, किताब पढ़ने से आता होता तो किताबें तो सारी अवेलेबल है, स्कूल कॉलेज बंद हो गए होते, प्रोफेसर जो है वो ठेले पे आम की रेड़ी लगा रहे होते, ठीक है। इट इज बेटर टू अप्रोच द टीचर, उससे जो आएगा वो मतलब कुछ नहीं आएगा, उससे ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ऑथर भी हूँ, मैं वीडियो से पढ़ाता भी हूँ, मैं क्वेश्चन आंसर भी करता हूँ, जवाब भी देता हूँ। बेस्ट थिंग है यू अप्रोच द टीचर, जो मैं ऑडियो विजुअल में बोल सकता हूँ एंड स्पेशली इन फ्रंट ऑफ माई स्टूडेंट्स, वो मैं अकेला भी नहीं बोल पाता, जैसा मेरा स्टूडेंट होता है मैं वैसा बोलता हूँ, पता नहीं क्यों, ये मुझे मालूम नहीं है कि उसके मेंटल लेवल के हिसाब से बोलता हूँ, इसमें ये नहीं कह रहा उसका मेंटल लेवल ज्यादा है कम है, उसकी वेवलेंथ से बोलता हूँ, सो दैट ही इज एबल टू ग्रैब इट प्रॉपरली, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू कि आप टीचर से पढ़े, ठीक है ना। तो अब इसके बाद कोई कोई कहता है कि सर स्टोन थेरेपी वर्क करती है, ये ना बड़ा बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, स्टोन थेरेपी वर्क करती है नहीं करती, एक लाइन का आंसर नहीं दिया जा सकता इसके अंदर, ठीक है। तो ये मतलब स्टोन्स काम करते हैं दैट इज फाइन,
बट वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब बताना है थोड़ा, मुझको लगता है इस समय पॉसिबल नहीं होगा, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। अर्चना जी गुड इवनिंग कह रहे हैं, नितिन जी, नितिन दयालानी जी प्रणाम कह रहे हैं जी, थैंक यू जी नितिन जी। राजू रोस्टर, राहुल कौशिक किसी के, अरे उसको मैं नहीं बात करता। रूपल सक्सेना, वंडरफुल सेशन। हाँ रूपल जी कह रही है जी आपको जी कि सुमित संभाल लेगा, से हेलो टू सुमित संभाल लेगा। हाँ जी हेलो कह दिया जी हमने, वेरी एनरिचिंग सेशन कह रहे हैं अजय जी, थैंक यू वेरी मच। शुभम चौधरी जी कह रहे हैं से मे यू विल एक्सप्लेन अबाउट जेमस्टोन थ्योरी अ लिटिल बिट। अरे मे यू लिटिल, एक तो अंग्रेजी यार ठीक ठाक लिख लो पहले, मेरी कमजोर है, फिर आप ऐसे लिखते हो, जो है मेरी बची खुची वो भी बेचारी रगड़े में आ जाएगी। वो मैं एक स्पेनिश लेडी को सिखा दी थोड़ी सी ना, वो आए मेरे से सीखने के लिए 2005 की बात, तो 4 में आई पहले, तो मैंने कहा जी आप थोड़ी बहुत तो इंग्लिश सीख के आ जाओ, तो आप स्पेनिश बोलते हो, आपके साथ जो आदमी आया उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, मैं सिखाऊं जो वो फिर इंग्लिश से वो फिर स्पेनिश में ट्रांसलेट कर, आपने कुछ पूछना फिर आप स्पेनिश से इंग्लिश बोलोगे, फिर वो मेरे को बताएगा, मतलब ये सब मतलब मामला मतलब जो है बड़ा गड़बड़ सा हो जाएगा। आप थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख रहे, अब थोड़ी बहुत इंग्लिश जब मतलब सीख सा के वो आ गई, साथ में डिक्शनरी रख के, मतलब उन्होंने डिक्शनरी साथ में रखने दी, और जो है भाई जो मैंने बोला नहीं समझ में आया तो वही इंग्लिश को स्पेनिश में करती थी, तो फिर वो धीरे धीरे थोड़ा मैंने इंग्लिश भी सिखानी शुरू कर दी, भी जो बची कुची वो सीख के थोड़ी बहुत मैं ऐड करता था सिखाना, तो मेरी जो इंग्लिश है वो खराब हुई बिल्कुल बुरी तरह से, मतलब इस तरह से हो गई, मैं क्या बताऊंगा आपको नमी, वो ऐसी बात ही एक ना जोक है कि ज्ञानी जैल सिंह जी पे, ज्ञानी जैल सिंह जी पे जब वो जब राष्ट्रपति बने थे ना तो जोक बहुत थे, तो आप तो खैर मेरे तभी तभी पैदा हुए थे जब जैल सिंह जी जब राष्ट्रपति बने थे, तो उनका जो है कि उन्होंने भेजा ज्ञानी जैल सिंह जी को इंग्लैंड, तो इंडिया में भेजा नहीं किसी, कहाँ नहीं भेजा, इंडिया में इंग्लिश सिखाने के लिए, उन्होंने इंग्लैंड ही भेजा कि यहाँ पर इंग्लिश सिखाएंगे तो टीचर कोई ना कोई दो एक चीज से भी सिखाएंगे, वो बता देगा कि भाई इसको इनको भी इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, और तब इंग्लिश का कुछ ज्यादा ही बोल पाला था, हर कोई जो भी एलीट कह लो या सेलिब्रिटी कह लो इधर उधर कह लो इंग्लिश में ही बात करते, वो एलीटनेस आती अंग्रेजी से, हिंदुस्तान के अंदर वो आती कहीं से नहीं, तो वो कन्नड़ से नहीं आती, तेलुगु से नहीं आती, बंगाली से नहीं आती, किससे नहीं आती, उसी से आती, तो इंदिरा गांधी जी ने वो भेज दिया ज्ञानी जैल सिंह जी को इंग्लिश की टीचर के पास, कि भी उसको बोला कि भी ऐसी बात है कि ही इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट प्रेसिडेंट, सो वी वांट दैट ही शुड स्पीक अ लिटिल इंग्लिश, सो वी आर सेंडिंग हिम फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन, कि एटलीस्ट ही शुड स्पीक अ लिटिल, से 2, 3, 4, 5 sentences, एंड वी गिव यू से अराउंड 5, 6 months फॉर दिस, सो कैन यू डू इट, उसने कहा हाँ जी हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम, आई जस्ट राइट हाउ ही परफॉर्म्स। सो आफ्टर 1 week उसने फिर जो है इंदिरा गांधी ने वो फोन किया कि हाउ इज द प्रोग्रेस, बोले वी आर ट्राइंग एंड वी आर होपफुल वील बी सक्सेसफुल, वी आर ऑप्टिमिस्टिक। तो फिर 2 हफ्ते बाद फिर फोन किया, 3 हफ्ते बाद फिर फोन किया, 4 हफ्ते बाद फिर फोन किया, और इंदिरा गांधी चाहती थी कि भाई ज्ञानी जैल सिंह से खुद बात करें कुछ इंग्लिश में, तो उनको कॉन्फिडेंस सब कुछ हो, तो ऐसे वो 1.5 महीना बीत गया, तो 1.5 महीने के बाद वो टाइम नहीं मिला इंदिरा गांधी को, बिजी हो गई, तो 15 और 2 महीने जब हो गए कंप्लीट, तो उन्होंने फिर फोन किया उसको कि भाई सो हाउ इज द प्रोग्रेस ऑफ मिस्टर जैल सिंह, बोलते मैं बहुत कोशिश कर की है, ऐ बंदे को समझ की नहीं आता, मैं की करा मेरे तो बसता ही नहीं है बंदा, तो ये मतलब उसका बाद में आया, तो ये भी मेरा वही कर देंगे, मुझको लगता है जो भाई साहब जो आप लिख रहे हो ना अंग्रेजी, भाई साहब आप मेरा ये कर दे, उसके साथ भी होता है स्पेनिश में क्या होता है, दो नो अगर लगता है ना तो 2 बार बोलना पड़ता है, नो नियट 2 बार नेगेटिव है, यहाँ तो 2 नो का यस हो जाता है ना, तो स्पेनिश में 2 बार होता है नो का, तो मेरी भी अंग्रेजी वहां पर मतलब जो अंग्रेजी बिल्कुल बिगड़ गई थी जब मैं जब मतलब बोलने लगा था, तो मतलब यहाँ पर तो मेरे को बोली नहीं जाती थी बिल्कुल, वो यही होता था वो जब वो यहाँ पर आई 2005 की बात है, पिली गार्सिया गेल उनका नाम है, तो आ तो वो 8-10 साल से रही थी, लेकिन वो ये बोला करती थी
कि जो इंडिया है वो जो है अमीर देश है, जो हम वहां पर बोलते हैं वो गरीब है, गरीब नहीं है, ठीक है ना। तो वो यूं ही बोलती थी, अब मैं अब समझाता हूँ कैसे अंग्रेजी होती है उनकी। तो वैसी मेरी हो गई थी, तो वो बोलते हैं कि इंडिया नो पुअर, हाउस क्लीनिंग वन मेड, यूटेंसिल क्लीनिंग अनदर, क्लोज क्लीनिंग अनदर मेड, फूड मेकिंग अनदर मेड, देन क्लोथ आयरन अनदर पर्सन, देन कार क्लीनिंग अनदर मैन। और सुनो सुनो बात बात को सुनो, शी वो शी यूज टू शेयर कार विद हर हस्बैंड। तो उसने घर में मेरे को बताया बच्चों को कि मैं ना अपने हस्बैंड के साथ कार शेयर करती हूँ और मेरी कार में एसी नहीं है। बच्चे हंसे, कार में एसी नहीं है, वो ये क्या कार है। मैं कहा बेटा ऐसे मत बेइज्जत करो यार किसी को। अब वो आगे बोले, फिर बोलती है कि इंडिया मतलब यूटेंसिल क्लीन अदर मेड, क्लोथ क्लीन अदर मेड, दिस क्लीन अदर मेड, फलाना अलग मेड, देन क्लोथ आयरन अदर पर्सन, कार क्लीन अदर मैन, देन हस्बैंड गोज एट वर्क, देन देयर इज अनदर पर्सन, हस्बैंड हैज वन कार, वाइफ हैज अनदर कार, नो व्हेन हस्बैंड कम्स बैक होम, नो वाइफ इज डूइंग नथिंग, वाइफ जस्ट शाउट एट हस्बैंड एंड वाइफ गोल्डन गोल्डन बैंगल्स, डायमंड नेकलेस, डायमंड टॉप्स, आई वर्क 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 होल डे, आई ओनली वाइट वाइट, आई नो मनी नथिंग, आई क्लोथ क्लीनिंग, आई यूटेंसिल क्लीनिंग, आई डू दिस क्लीनिंग, दूसरी फलाना ढिमकाना। ये हो गई थी मेरी अंग्रेजी, मतलब मेरी अंग्रेजी का भी यही बड़ा गर्क हो गया था। जो भाई साहब आप करने की कोशिश कर रहे हो, प्लीज ऐसे मत करो मेरे साथ यार। मैं पहले बड़ा दुखी आदमी हूँ, पहले मैं बोल नहीं पाता, रात को मेरे को वैसे कम बोला जाता। सर मे यू विल एक्सप्लेन अबाउट जेमस्टोन थ्योरी अ लिटिल बिट, मे यू आई एक्सप्लेन यू नाउ कि भाई हर जो स्टोन है उसकी एक अलग कलर रिफ्लेक्ट होता है, जो कलर आपको दिख रहा होता है वो कलर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है किसी भी चीज से, बाकी जो भी कलर होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जो जो है वो चला जा रहा है, जो लाइट ज्यादा ज्यादा जा रही है तो उसी कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी जा रही है जो उसकी प्लेनेट की जा रही है। तो अगर आपको प्लेनेट पॉजिटिव है तो उसी का जेमस्टोन पहनना, ताकि वो आपको वो कलर दे, तो उससे आपको उस प्लेनेट का बेनिफिट मिले, ये उसकी थ्योरी है। सर पेंडिंग कर्मा तो कैसे देखे चार्ट में, हे भगवान कुछ यार पैसे वैसे जमा करा दो यार, तो बताएं जवाब। लेकिन ये ना बड़ा बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन हो गया, पेंडिंग कर्मा को कैसे देखे, पेंडिंग कर्म का क्या मतलब है वो, पेंडिंग बेकार की बात है, पेंडिंग कर्म का क्या मतलब है। भाई शादी हुई, पेंडिंग कर्म क्या है, मैं शादी हुई तो व्हाट इज माय पेंडिंग कर्म, बीवी को पालना, बीवी के ब्यूटी पार्लर के पैसे देने, कपड़े खरीद के देने, ठीक है खाना पीना, कल बच्चे होंगे तो बच्चों को पालना, दैट इज माई पेंडिंग कर्म। और ये समाज में करना जरूरी है, एक हमको रेस अपनी जो है बना के रखनी है, अपनी खानदान मतलब जो है हमारा जो है पूर्व जाए उनकी रेस को मतलब रखना था। एक जो है हमारे को भगवान ने प्रजनन दिया है, ठीक है ना, प्रजनन दिया है तो कोई कोई काम होगा उसका, तो क्यों सिर खपाई करते हैं हम ज्यादा सोचने में कि भाई ये करें वो ना करें, जो प्रवचन दे रहे हैं जो लोग वो देवे, लेकिन वो नारी नर का द्वारा ब्रह्मचर्य फलां ढिमकाना देते हो, देते रहो वो, देते रहे ना वो, दे रहे हैं तो दे, हम कौन सा मना कर रहे हैं। लेकिन अगर भगवान ने ये चीज बनाई है तो नेचर ने बनाई है, तो वो चीज तो मतलब उस चीज में कोई गलती नहीं हो सकती, ठीक है ना। भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे में कोई जो है कमी नहीं, तो मैंने अपनी सृष्टि में भी कोई कमी नहीं रखी, तो जो है एक्सेप्ट करो। जब हम नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो लफड़ा होगा, सामाजिक जीवन में आपको तभी एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे आप 25-30 है इसके आसपास होते हैं तो तकरीबन आपके दोस्तों यारों सबकी शादी हो रही होती, जब आपकी शादी होगी, दोस्तों की शादी होगी सभी की और आपकी नहीं हुई, तो वो आपको घर में बुलाने में हिचकिचाएगा। अब क्यों, क्योंकि उसकी वाइफ अगर वो आपके साथ बैठेगा, तो अगर आपकी वाइफ नहीं है तो उसकी वाइफ के साथ कौन बैठेगा, तो इसलिए वो चाहेगा कि आपकी भी शादी हो जाए, तो कि वो कपल कपल मिले। इस तरह से लड़की है उसकी सहेली है तो वो भी चाहेगी कि भी दोनों के हस्बैंड हो जाएं। तो समाज ऐसे ही चलता है और चलना चाहिए, और बच्चे होने चाहिए, बच्चे कुछ टाइम बाद नहीं होंगे तो आपको खुद ही घर बड़ा सुना सुना सा लगेगा, घर में कुछ गिलास टूटने चाहिए, जो दीवारें रंगनी चाहिए, चिल्लम चिल्ली होनी चाहिए, आओ घर में शांति पड़ी हो, बकवास बात है, छाए छाए होनी, धाए धाए होने चाहिए,
15-20 दिन महीने के अंदर कोई बड़ी कोई ना कोई चीज टूटी होनी चाहिए, ठीक है, तो पता चले बच्चा है। नहीं तो ऐसे क्या बात होगी यार कि बच्चे हैं, तो ये होना चाहिए। अब देखो 3 बच्चे आए थे अभी, मतलब वहां सारा जो है सिनारियो चेंज हो गया। तो ये सब जो है यही हमारे पेंडिंग करवाए। फिर एक समय है उनको ब्याह दिया, उसके बाद हमारा जब हम गृहस्थ आश्रम में साथ साथ जो हम कमाई कर रहे हैं, तो कुछ गुरुद्वारे में, कुछ मंदिर में, कुछ सामाजिक कार्य में, मैं नहीं कहता 10% दो, कोई कहता 10% 10% जो आप दे सकते। पहले आपको अपने घर की पूरी कर, वो जब कंप्लीट हो जाए सेवा करो। वो जरूरी नहीं है कि हमें धन से देने, तन से, मन से, कई तरीके हैं, किसी भी तरीके से दे सकते हैं, जो जैसा देना चाहे। तो ये हमारे पेंडिंग कर्म है, और मैदा सिर कौन से पेंडिंग कर्म है, ठीक है, प्रभु ने यही किया और कुछ नहीं करना। अब आया क्या हो गया कि आपने अध्यात्म बन के बहुत कुछ बनना है, उन्होंने आपको इंसान बनाया, तो इंसान तो बनने पहले इंसान बन नहीं पा रहे हम। काम क्रोध मद लोभ मोह कहाँ निकल पा रहा हमें से, ईर्ष्या भी नहीं निकल पा रही। जब निकल ही नहीं पा रही तो पहले इंसान तो बन ले, फिर बन लेंगे अध्यात्म बाद में देख लेंगे, पहले ये कर ले, अपने आप हो जाएगा अध्यात्म, जब उसकी मर्जी होगी वो भी हो जाएगा। अभी ये शॉर्ट में यही बात है, बाकी तो प्रवचन में बोलता रहता हूँ। नमस्ते जी गुरु जी। अरे कौन गुरु जी बोल रहे हैं? अच्छा रूपाली जी। अरे अच्छा एस्ट्रोलॉजी भी संतो है। नमेश जी की फैमिली के बारे में कितने बच्चे हैं ये आप रहने दो इसको ना। कुलजीत जी आ गए, थैंक यू जी सर। आप आज कुलजीत जी थैंक यू है सर जी, तुसी आ गए आज पहली बार देख रहे हैं मैं थानू। सागा से सर आप तो डरा रहे हैं, शादी से डर लगता है मुझे। शादी से क्या डर लगता है, जनानी खा जाएगी तेरे को, ठीक है ये कह रहा तेरे को। भाई भाई ऐसा है, आप परिपक्व तब हो गए जब आप गृहस्थ आश्रम में हो गए, उससे पहले आप ना परिपक्व नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो सागर से जी शादी करो, डर लगने वाली कोई बात नहीं होती। जीवन का एक पड़ाव है ये भी, तो ये पड़ाव भी लेना चाहिए। हमारे सब भगवानों की वाइफ हैं, ठीक है ना, तो अगर उनकी हैं तो वो हमको बता रहे ना। नमस्ते पारिक जी, और किसी को क्वेश्चन पूछना तो बताएं, नहीं तो फिर इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच नमित जी आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो आपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। दोबारा अगर मतलब जरूरत पड़ी तो प्लीज फिर आप आइएगा अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के नहीं। टाइम क्योंकि कम होता है तो सब चीजें की बात हो नहीं पाती, बट आप आए बहुत अच्छा लगा। आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है पिक्चर्स के बारे में भी सबको कहूंगा, जो अभी पिक्चर आने वाली है राजा रंग, राजा और रानी क्या थी सर, रॉकी एंड रानी, प्लीज उसको भी देखिए जाओ। और अभी जो दो शोज बताए थे, बाकी इंस्टाग्राम में जुड़ेंगे तो मतलब आपको पता चलता रहेगा। और मैं ना नाम बड़ी जल्दी भूल जाया करता हूँ, तो ये मेरी थैंक यू सो मच तनिजा जी फॉर कॉलिंग मी, एंड नेटवर्क थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा, लेकिन फिर भी आई थिंक हमने ये लाइव सेशन खींच लिया and kuch kuch baatein ho paayi, par we'll do this session once again and life ke bare mein bhi baat karenge, hamare association ke bare mein bhi baat karenge and jo bhi log is session ko dekh rahe the, thank you so much for joining in and main sirf ye kehna chahunga ki astrology ko sahi tarike se dekhiye, usko demystify kijiye, usko ek science ke tarike se dekhiye. And please follow Tanija ji on YouTube. Unke sessions bahut interesting bhi hote hain, bahut informative bhi hote hain, and let me tell you, bahut entertaining bhi hote hain. Because Tanija ji ki last baat jo main kehna chahunga, Tanija ji ki jo humor hai, wo bahut zabardast hai. It really tickles you at the right places. So thank you so much for having me. Namit ji, last please look here. Aapka main bhool jaya karta hu. आपका बर्थडे भी आने वाला है मेरे परसों दरसों, जन्मदिन की अग्रिम बधाई। पीछे मेरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो विनय जी, तो उन्होंने मेरे को याद दिलाया। मैं बड़ा और मैं बड़ा जो कमजोर हूँ इसमें, बर्थडे को याद रखने में, उन्होंने याद दिलाया। ओके ओके थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू।